दोस्तों यही है राजकुमार राव और उनकी पत्नी पत्रलेखा जी का घर, जो कि मुंबई के जुहू में स्थित है। इस वीडियो में मैं आपको इनके घर के अंदर का पूरा नज़ारा दिखाने वाला हूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं फिर से मुंबई के जुहू इलाके में और आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं राजकुमार राव का नया वाला घर। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में उन्होंने जुहू में एक नया घर खरीदा है और अपनी पत्नी के साथ इस घर में वो शिफ्ट हो चुके हैं। तो उनका नया वाला घर कैसा है जहां पर हमारे राजकुमार राव जी रहते हैं, आपको इस वीडियो में ना उनके घर के अंदर का भी वीडियो और फोटोज़ दिखाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा और साथ में आपको राजकुमार राव के बायोग्राफी के बारे में भी सब कुछ बताएंगे और साथ में उनके अभिनय करियर के बारे में भी आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करिएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। तो हमारे पीछे ही वो बिल्डिंग है जिसमें राजकुमार राव रहते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों यही है राजकुमार राव का नया वाला घर, जो कि मुंबई के जुहू में स्थित है और राजकुमार राव अपनी पत्नी पत्रलेखा के साथ ना इसी घर में अब रह रहे हैं। आपको बता दें ये अपार्टमेंट जिस जगह पर है ना, वो मुंबई का सबसे पॉश रेजिडेंशियल एरिया जुहू में है। इस बिल्डिंग का नाम है लोटस आर्या और ये फेमस प्रोड्यूसर और बिल्डर आनंद पंडित जी का है। आपको बता दें कि ये है मेन गेट जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं कितना टच फिनिशिंग यहाँ पे दिया गया है और ये है उनके घर का मेन एंट्री गेट और बगल में दूसरा गेट भी दिया गया है। राजकुमार राव बॉलीवुड के उन स्टार्स में है जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर ना कामयाबी की नई कहानी लिखी है। राजकुमार राव ने इंडस्ट्री में एक लंबा सफ़र तय करके अपनी खास जगह बना ली है और वो अब इसी बिल्डिंग में करीब 3 मंजिल को खरीद कर अपना खुद का घर बना लिया है। राजकुमार राव का ये आलिशान घर ना काफ़ी खूबसूरत है और आप लोग देख सकते हैं बालकनी में कितनी ज़्यादा ग्रीनरी लगाई गई है और काफ़ी बढ़िया तरीके से इस बिल्डिंग को तैयार किया गया है। ये जो लोटस आर्या नाम से बिल्डिंग है ना, इसके सबसे टॉप के 3 फ्लोर पे राजकुमार राव का घर है जहां पर वो रहते हैं और इस घर की प्राइस ना करीब 50 करोड़ रुपए है। और देखिए वो जो 2 लोग अंदर जा रही हैं वही इनके घर का मेन गेट है और ये है वो खूबसूरत सी बिल्डिंग जिसमें वो अब शिफ्ट हो चुके हैं। पहले ये किराए पर रहा करते थे लेकिन अब इसे उन्होंने खुद जाह्नवी कपूर से 44 करोड़ रुपए में ख़रीदा था लेकिन अब इसकी प्राइस बढ़कर ना 50 करोड़ रुपए हो चुकी है। ये है इनके घर के अंदर का कुछ नज़ारा जहां पर आपको दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई दिखाई दे रही होगी और बड़े बड़े पीछे झूमर भी लगाए गए हैं। इनका घर का अंदर से काफ़ी टच फिनिशिंग दिया गया है और काफ़ी बढ़िया तरीके से इनके घर का इंटीरियर तैयार किया गया है। ये जो आप लोग तस्वीरें देख रहे हैं ये उनके घर के अंदर के जिम एरिया का नज़ारा है जहां पर पीछे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी लगाई गई है और वुडन का यूज यहां पर ज़्यादा किया गया है। ये भी उनके बेडरूम के अंदर का ही नज़ारा है जहाँ पर सोफे पर बैठे हुए ये यहाँ पर अपना लैपटॉप चला रहे हैं और ये उनकी पत्नी और वो यहाँ पर बेडरूम में बैठे हुए हैं। देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरत तरीके से इनके घर के अंदर का इंटीरियर तैयार किया गया है। पीछे दीवारें भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फिनिश की गई हैं और यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रॉयल लुक भी आ रहा है। ये अपने डॉगी और पत्नी के साथ बगल में सीढ़ी के बगल में ही खड़े हैं जहाँ पर पीछे एक प्यारा सा झूमर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ये इनकी पत्नी है पत्रलेखा, जिनके साथ ये अब शादी के बंधन में बंध गए हैं और इन्हीं के साथ इस घर में ये रहते हैं। दोस्तों राजकुमार राव कई सारी हिट फिल्में भी दे चुके हैं और कई सारे नेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं, जैसे कि शादी में जरूर आना, स्त्री, भीड़, बधाई हो और बरेली की बर्फी, रूही अफजाना जैसी हिट फिल्मों में ये काम कर चुके हैं और अपनी पहचान अपने दम पर काफ़ी ज़्यादा बना चुके हैं। और इनके इस बिल्डिंग का नाम लोटस आर्या है। कभी भी अगर आप लोग मुंबई में आते हैं तो इनके घर का अगर वीडियो बनाना है या देखना है तो यहाँ पर आ सकते हैं। ये इनके इस बिल्डिंग का दूसरा गेट है पीछे वाला, जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। और देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक ना इनके घर का इंटीरियर काफ़ी बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है और साथ में काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी भी लगाई गई है और हर एक
खिड़कियों में यहाँ पर कांच का इस्तेमाल किया गया है, उसके साथ साथ यहाँ पर उडेन का भी यूज बाहर से ज्यादा किया गया है। उनका ये जो घर है ना, ये अपार्टमेंट लोटस आर्या नाम की बिल्डिंग में 4144 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। उनके इस घर का इंटीरियर और डिजाइन उनकी पत्नी पत्रलेखा और डिजाइनर की मदद से तैयार किया गया है। उन्होंने खुद यहाँ पर बताया है कि जो ऊपर वाला फ्लोर है वो मीटिंग के लिए और पार्टी के लिए है, जबकि लोअर फ्लोर जो है वो प्राइवेट स्पेस है, और उसके बाद वाले फ्लोर में जिम एरिया है और वो अपने डॉगी के साथ जहाँ पे खेलते हैं और किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो नीचे वाला यहाँ पर जो फ्लैट है वो है। तो यही है राजकुमार राव और पत्रलेखा जी का घर मुंबई में। दोस्तों जो राजकुमार राव है ना, इनका जन्म 31 अगस्त 1984 को प्रेमनगर गुड़गांव हरियाणा भारत में हुआ था। इनके पिता का नाम सत्य प्रकाश यादव हरियाणा के एक राजस्व विभाग में सरकारी कर्मचारी थे और इनकी माँ कमलेश यादव एक गृहिणी थी। आपको बता दें कि राजकुमार राव का असली नाम राजकुमार सत्यपाल यादव है और इनके पिता और माता की मृत्यु हो चुकी है 2016 और 2019 में। राजकुमार राव 2010 में अभिनेत्री पत्रलेखा पाल के साथ ना रिलेशनशिप में थे। 15 नवंबर 2021 को इन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड पत्रलेखा से चंडीगढ़ के ओवराय सुखविलास में शादी कर ली। राजकुमार राव ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2010 में एंथोलॉजी ड्रामा फिल्म लव सेक्स और धोखा से की थी, जिसमें उन्होंने आदर्श की भूमिका निभाई जो एक सुपरमार्केट सुपरवाइजर है। इस फिल्म के बाद ये कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते गए और आज के टाइम में इन्होंने अपनी पहचान खुद के दम पर इतनी ज़्यादा बना ली है कि इनका टोटल नेटवर्थ करीब 100 करोड़ के पास पहुंच गया है। और इनके पास अगर गाड़ियों की बात करें, कार कलेक्शन की, तो इनके पास ऑडी Q7 जिसकी प्राइस 80 लाख रुपये है, मर्सिडीज बेंज CLA 200 जिसकी प्राइस 37.96 लाख रुपए है, और वहीं पर इनके पास लग्जरियस हार्ले डेविडसन बाइक भी है जिसकी प्राइस 18 लाख रुपए है, और इनके पास यहां तक कि BMW की कार भी शामिल है जिसकी प्राइस करीब 50 लाख रुपए है। तो दोस्तों हमारे जो राजकुमार राव हैं वो मुंबई के इसी घर में रहते हैं। मैंने आपको इनके बायोग्राफी के बारे में, इनके इस घर के अंदर का कुछ इंटीरियर, कुछ फ़ोटोज़, कुछ वीडियो सब कुछ दिखाई दिया है। उम्मीद करूँगा आपको इनके घर का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल प्रिंस के ब्लॉग को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो जल्द ही गाइज मिलते हैं नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।